23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज़ की, और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूँ, कोई फर्लो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। माय फादर, इफ ही वॉज अलाइव ही वुड हैव बीन द मोस्ट हैप्पी पर्सन, बिकॉज हिज ओनली फाइट वॉज टू सी हिज सन फ्री, एंड आई कैन से डैड आई एम फ्री टूडे। बाबा हम लोगों ने बड़ा इमोशनल उस वक्त एक नजरिया था आपको देखने का कि जब आप ये बड़ा जेल से बाहर निकले, आपने तिरंगे को और सरजमी को चुमा और तिरंगे को नमस्कार कहा, एक कहीं ना कहीं एक पैट्रियटिज्म जो आपका फीलिंग था वो कहीं आ रहा था। वरी से वादा है, देखिए ये धरती माँ, ये मेरी माँ है, मैं हिंदुस्तान की धरती को प्यार करता हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा, और वो तिरंगा मेरी ज़िंदगी है, और मैं इस देश का नागरिक हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। तो इसीलिए मैंने अपनी सज़ा काटी, और काट के जब मैं सज़ा काट के बाहर आया तो मैं अपनी धरती को मैंने ज़रूर चूमा और उस तिरंगे को सलूट किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो क्वेश्चन है सवाल ये में यूज किया जाएगा, जब इंटरव्यू हमें दिया उसमें कहा था कि जब सजा सुनाई गई तो आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझ पर लगा जो टेररिस्ट का टैग है उसको क्लियर कीजिए, क्या मैं हूँ या नहीं, और सजा देते वक्त उन्होंने कहा कि आप टेररिस्ट नहीं है। आज सजा खत्म हो गई है, उन्होंने उस समय कहा था, क्या फीलिंग है उस समय की तरफ की? देखिए उस समय जो ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी ज़िंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया, और जो सज़ा उन्होंने दी मैंने वो सज़ा काट के आया हूँ। आप बाहर आए सिद्धि विनायक गए, उसके बाद आप अपनी वालदा की कब्र पर गए जी, तो वहाँ पर उस वक्त जहन में क्या चल रहा था जब आप अपनी वालदा की कब्र के पास थे? मेरी जहन में यह चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी, और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी कब्र पर जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, वो खुश हो। You spent a fair amount of time with ordinary regular convicts in prison. Have you had the time to reflect upon the criticism that perhaps your celebrity status somehow allowed for you to access something that is available as per rules, early remission, but many convicts who have been convicted of a lesser term haven't been able to avail of remission of their prison sentence? I think it's a misconcept. I mean, because me being a celebrity status, I was not allowed to do many things. I mean, a common person yet gets everything, but I didn't get what I deserve, actually. You're saying it went against you, you're being a celebrity? Maybe in some ways it did, some ways it didn't. आज सुबह क्या माहौल था? कल रात आपको नींद आई, आज सुबह जब आप उठे तो जब बाहर क्या जहन में क्या चल रहा था? कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया, और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। संजू मान्यता एक पिलर की तरह खड़ी रही बच्चों के साथ, और हर वक्त आज भी आपको लेने गई। एक शादी करता है इंसान, उसका बेटर हाफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पिलर होता है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है, और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देती है। आपसे सब पूछ रहे हैं कि सफर आपका जो है अब खत्म हुआ, एक नई सेकंड इनिंग है,
आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मान्यता से पूछा, इनका भी सफर खत्म हुआ, एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी मेरी उनसे कम थी। हमें दो बच्चों को पालना, हर चीज़ का मतलब डिसीजन लेना, मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्जी मिल जाती थी, लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई जिंदगी नहीं। बाबा आज जैसे सेलिब्रिटी ने, बाबा आज जैसे सेलिब्रिटी ने जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ, और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। All I can say is God bless them and I love them. जब आप जेल से आज बाहर निकले, वो पहला शॉट भी था आपके बायोपिक का, और आज से आपका काम भी इनफैक्ट शुरू हो गया है, आपकी सेकेंड इनिंग की आपके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरीके से इसे देखेंगे और कितना सब कुछ लोग जान पाएंगे संजय दत्त के बारे में, जितना हम सभी आपको देखते आए हैं? सबसे पहले यार मुझे ये, अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ शूटिंग हुई है लेकिन उसके लिए मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं दिया राजू ने। बाबा बहुत सारे आम लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है। टू थिंग्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, वन इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली एंड माय किड्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज माय वर्क एक्चुअली। आप पेपर का काम मैंने बहुत किया, और अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं हो तो मैं पेपर बैग बना के दे सकता हूँ। आई हैड टी। आप रेडियो जॉकी भी बने थे, क्या क्या आराम से आप रेडियो जॉकी का भी, आप कैदियों को मतलब के जेल डिपार्टमेंट ने और इन लोगों ने तय किया था कि वहाँ एक सर्टन टाइम पे गाने बजेंगे और ये सब होगा। तो बाबा आप रेडियो जॉकी वाला बता रहे थे। जी, तो इन लोगों ने वो शुरू किया था, किया है एक्चुअली, और वहाँ हम लोग 11 बजे से लेके 4 बजे तक रेडियो बजाते हैं, और वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, सुधारना पुनर्वसन के बारे में भी बहुत बातें करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात किया, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी होता है कैदियों के लिए, और जितना मेरे में हो सका मैंने किया। Right now it's very early in New York City, but I am going to speak. Baba, Ranbir Kapoor Baba, playing your character. What do you have to say about it? Baba, I love him. He'll do a good job. One strength or weakness that you learned of your father? You can't be weak there.
you it only has to be strength and you have to get it from God, you have to get it from your conviction, you have to get it from your character. Baba, one jail guy who did it for me. Mishra ji. His name is Mishra ji. Baba, आपके मुश्किल वक्त में हमेशा बॉलीवुड साथ में खड़ा रहा है. आज सलमान खान के सिक्योरिटी बाउंसर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, शेरा के बाउंसर भी आए हुए हैं. इस तरह का सपोर्ट देख के आपको क्या लगता है, हमेशा एक गुड फीलिंग्स आती है आपके अंदर? सलमान मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा रहेगा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अब इससे भी बड़ा स्टार बने और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म. बाबा आपने जेल में बहुत ज्यादा इंग्लिश सीखा है, कितने लोग ने इंग्लिश सीखा है आपके? जेल से कौन दोस्त बने, जेल में कौन दोस्त बने, कैसे दोस्त बने, दिनचर्या क्या थी आपकी जेल में और किसको मिस कर दिया आपने? देखिए जेल के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इज्जत दी, मैं आभारी हूँ. जेल के सिपाही वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जेल का, मतलब कि उनका जो काम है वो आर्मी से भी ज़्यादा सख्त काम होता है और वो ही जेल संभालते हैं और वो रक्षक होते हैं वो, तो मतलब उनका काम है एक कैदी का मतलब उसको संभालना. और दोस्त? दोस्त भी बहुत बने, रेडियो के जितने भी थे वहाँ पे, समीर हिंगले करके है, सागर है, जीशान कुरेशी, नरेन भाई, गोटिया मामा, ये जितने भी थे मतलब के भाई से भी बढ़कर, क्योंकि उन्होंने प्यार और इज्जत इतनी दी मुझे. बाबा जो आपने कागज की बैग्स बनाई और जो भी वहाँ पे ऐसे सामान बनाए, क्या उनको आपने वहाँ से एक आध बैग से एक ऐसी चीजें जो आपने बनाई हुई है खुद अपने हाथों से वो आप घर पे लेके आए? यार वहाँ से अलाउ नहीं करते, वहाँ एक शोरूम है जहाँ वो जेल का जो भी जेल में बना है वो चीज़ें बेचते हैं वो लोग. तो आपने यार आइडिया अच्छा दिया, मैं किसी को भेज कर 2-3 बैग ले लूँगा. क्या आप छुट्टी पे जाएंगे मान्यता और बच्चों को लेकर आप पहला काम वो करेंगे आप? अभी वो बॉस से पूछना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो एक हमारी है आजकल. पता नहीं यार, घर आना बच्चों के साथ, ऐसा उन्होंने कहा कि आपने ज्यादा सफर किया है, तो आप कुछ कहेंगी? पहला जो रिएक्शन जो कुछ भी आप शेयर करना चाहें थोड़ा माइक के पास. It's a very emotional moment. Actually, I don't know when much to speak. You just can't speak. Yeah. I have a lot of feelings from my heart, and I think I will need some space and some time to come back to terms that he's back home. I don't know if he says that I have suffered, but not like him. But every time I would go to meet him. And I had a lot of zillion tensions to narrate to him and tell him this is what I'm going through. But when I would see him there, and I remember the first Mulaqat when I went to see him, and he said, Mom, that's what he calls me, he said, Mom, in my school, I've learned one thing, it's my motto, never given. I said, I will survive here, you survive outside. I said, that's how we have to sail through. So, hello. तो मैं अभी जाऊं अपनी फैमिली के साथ. बिफोर आई गो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द प्रेस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे मैं बहुत आभारी रहूंगा एंड आई बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं, मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से. मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120 बी ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ, टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सज़ा लगी है. तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट. थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू.
थैंक यू बाबा, थैंक यू।